औरैया में महोत्सव में जवाबी कव्वाली का आयोजन, हजारों की संख्या में जुटी भीड़। सोनभद्र में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा रिहन महोत्सव, स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम हुए प्रस्तुत। हरदोई में दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, प्रधान और उनके अन्य साथियों पर लगा आरोप। सोनभद्र में तेज रफ्तार का बरपा कहर, तीनों युवकों की हुई मौत। औरैया में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एसपी चारू निगम ने किया खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर हैं, यहां सीएम जीएलएस कैंपस के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने संबोधन करते हुए कहा कि ज्ञान सिर्फ ग्रंथ में है, भारत की आस्था भारत की पहचान है, हम प्राचीन विरासत को लेकर चल रहे हैं। तीन महापुरुषों ने भारत को बनाया, राम कृष्ण शिव, ये देश के आस्था का रहा है और भारत के निर्माण में महापुरुषों का हाथ है। जेएलए विश्वविद्यालय मथुरा के एकादश दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायणदास अग्रवाल जी। सोनभद्र में रिहन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रवीण सक्सेना ने किया। यह आयोजन 9 फरवरी को और चलेगा। इसमें तरह तरह के खाने पीने से लेकर दैनिक चीजों के स्टॉल लगे हुए हैं। स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति कर सबके दिलों पर छा गए। इसके साथ ही तरह तरह के सेल्फी पॉइंट बने हैं, जिस पर सेल्फी लेते हुए लोगों की भारी भीड़ उपस्थित रही। ये रिहन महोत्सव अपने में एक बड़ी यूनिक चीज है और आपको जानकर खुशी होगी कि एनटीपीसी रिहन इस वर्ष अपने 40 साल पूरे करने जा रहा है, तो खुशी का एक और जरिया है, एक और माध्यम है जिसके चलते हम इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। मेले की बात करें तो मेला वाकई बहुत मज़ेदार है। देखें आप, बच्चे हमारे बहुत खुश हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को और उनके लिए बड़ा ही आनंदमय है। पिछले वर्ष की कंपैरिजन अगर सर, पिछले साल के अपेक्षा कुछ इस बार विशेष तौर पर नया किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछले वर्ष के कंपैरिजन में देखें तो इस साल बहुत सारी चीज़ें नई की गई हैं। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक वीआईपी लॉन्च रखा गया है, जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। औरैया में पुरानी नुमाइश मैदान में देवगली महोत्सव में जवाबी कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कानपुर मंडल के आयुक्त समेत कई लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने मुख्य अतिथियों को शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने अलावा अधिकारी कर वहां पर मौजूद रहे थे। पंडाल के अंदर हजारों की भीड़ दिखाई दी। रायबरेली की कृषि वानिकी समिति में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही थी। युवक ने घर पर बताया कि वो कृषि वानिकी जा रहा है, वहीं जब युवक शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजन परेशान हो गए। युवक के परिजन उससे हर जगह तलाश कर रहे थे, तभी युवक के दोस्तों ने परिजनों को फोन किया कि आपका लड़का अचेत अवस्था में सड़क किनारे पड़ा हुआ है और हम इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल ले जा रहे हैं। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
कल गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें अभय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसके संदर्भ में थाना गुरबख्शगंज में 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना अध्यक्ष द्वारा जानकारी करने से पता चला कि ये देशिक विवाद मामा और भांजे के बीच में कुछ आपसी लेन देन का था, उसी संबंध में ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों को कुछ आक्रोश था, वो इसी वजह से यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे। उनसे बातचीत कर ली गई है और उनको बताया गया कि हरदोई में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक हो गई। इस घटना में प्रधान और उनके अन्य साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है और प्रधान पक्ष पर असलाह लहराने का भी आरोप लगाया गया है। मजिला के ग्राम सहजना में चक्रोड पर निकलने को लेकर के दो पक्षों में विवाद मारपीट और पथराव हुआ है, जिसमें 4 लोग मामूली रूप से जख्मी हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गांव में पुलिस बल मौजूद है, किसी प्रकार की भी कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। हरदोई में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक किशोरी का शव सरसों के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराया और आगे की जांच में जुट गई है। नारवल का इसकी ज्ञात हुआ है, युवती रहने वाली है और आज उसकी डेड बॉडी खेत में मिली है। गले में दुपट्टा कसा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज ही ये घटना हुई है। इस संबंध में पड़ताल की जा रही है। अब तक पता लगा है कि विगत माह गांव का एक लड़का इसको लेकर चला गया था और पुलिस द्वारा इसको बरामद किया गया था और 30 तारीख को विधिक कार्रवाई के बाद घर वालों को सुपुर्द किया गया था, जिसके बाद आज ये घटना हुई है। पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आ पाएगी। विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरुखाबाद में कलयुगी बहू ने ससुर पर जानलेवा हमला किया है। जानलेवा हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में वृद्ध को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों ने आनंद फानंद में घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र। ये कौन है आपके? पिताजी मेरे। क्या नाम है इनका? इनका नाम श्री राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम जीजीजिया पोस्ट ब्राउन डिस्ट्रिक्ट फरखाबाद थाना मुद्रवाजा। अच्छा, तो क्या करते हैं पिताजी आप? खेती। क्या घटना हो गई, चोट कैसे लग गई इनके? ये खाना खा के द्वारे पे बैठे थे तो इनकी छोटी बहू, वो भाई मेरे खत्म हो गए हैं, उन्होंने आके काना टकोरा और फुकनी इनके सर पे यानी की मार दी। पहले से कोई लड़ाई है क्या जो बहू? हाँ, उनसे पहले लड़ाई थी, मुकदमा भी लिखा है। वो मुकदमा शायद यानी की आर्डर पे है लिखने के लिए। तो इकलौती मतलब जो बता रहे आपकी मतलब जो पिताजी की बहू ही थी अकेली? हाँ। सोनभद्र में बाइक सवार 3 युवकों को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बता दें इस घटना से हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद ट्रेलर चालक वाहन समेत मौके से फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्यवाही में जुट गई। गाजियाबाद में अचानक एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। आपको बता दें कि आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह हालांकि अभी साफ नहीं हो पाई है। आग लगने से किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है। 7:34 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि शक्तिखंड 3 में इंदिरापुरम में आग के गोडाउन में आग लग गई है। फर्नीचर का गोडाउन था जिसमें हमारे कर्मचारियों ने अथक प्रयास करते हुए कड़ी मेहनत से आग को रोकते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया है। कोई जनहानि नहीं है। बगल वाले गोडाउन को पूर्ण रूप से बचा लिया गया।
औरैया में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एसपी ने खुलासा कर जानकारी दी है कि युवक ने गन से अपने आप को गोली मार ली। युवक ने मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया था। फिलहाल पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मैं राजा शुक्ला अपने पूरे होश होबास में ये बयान देता हूँ कि मेरी बीबी तन्नू को मेरे ससुर ख़त्म हुए, मैं लेके गया, पूरा परिवार मेरा गया, मैंने उन्हें छोड़ा। ससुराल पक्ष बोला कि बेटियाँ यहीं रहती हैं, 13वीं तक यहीं रहेगी, तो मैंने छोड़ दिया सर, भरोसा करके मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं जब आया 13वीं में आया, मुझे बुलाया नहीं गया, मैं फिर भी गया। मेरी बीवी को मेरे साथ नहीं भेजा गया, मेरी 7 महीने की बच्ची को मुझे दे दिया गया। और सर ये सब चाल और साजिश। अटसू चौकी क्षेत्र थाना जीतमल में एक सूचना आई कि मृतक राजा शुक्ला निवासी श्यामनगर ने गनशॉट से ये सुसाइड कर ली है। तो मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि इनके परिवार शाम को इन्होंने जब सुसाइड कर ली थी इसको हॉस्पिटल ले गए और जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तब ये लोग पुलिस को सूचना दिए। और पूछताछ में जो बात प्रकाश में आई है कि राजा, तीन सगे भाई हैं, राजा जितेंद्र और एक और भाई है, ये औरैया में यमुना नदी में कूदने जा रहे एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुल से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें युवक का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका से कुछ कहा सुनी होने के चलते यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। रायबरेली में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक बुजुर्ग ने लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि गांव वालों ने बताया कि युवक पागल है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। घटना देर रात की है जहां बुजुर्ग घर के बाहर लेटा हुआ था और पागल मानसिक विक्षिप्त ने अचानक लोहे की रॉड से बुजुर्ग की हत्या कर दी। परिजनों द्वारा बताया गया कि पागल आए दिन गाँव के लोगों के ऊपर हमला करता रहता है। सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। हत्या की बात नहीं प्रकाश में आई है। एक व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति हैं जो अपने घर के द्वार पे सो रहे थे और किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में जब पूरी जानकारी दी गई तो पता चला एक व्यक्ति जो थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ भी है उसके द्वारा इनके यहाँ गुटखा मांगने गए थे। ये गुटखा की दुकान लगाते थे और वो पान मसाला ना देने पर इसमें विवाद हुआ था। इसी संबंध में उसने रात में इनकी सोते समय सर पर प्रहार कर दिया जिससे इनकी मौत हो गई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? करसेनी के। रात में हत्या हुई है, कैसे हुई हत्या? ये हत्या हुए लमसम 9-10 बजे के बाद। कैसे हुई इसमें? ये दुकान है इनका, दुकान पे पागल सामान लेने आया। अच्छा। वो सामान ना देने पर कैसे कारण मतलब मार दिया। अच्छा, हमला बोल दिया इनके ऊपर। हाँ, सामान ना देने पे। हाँ, मार दिया। और घर वाले उनके जब आवाज़ आई भज भज की। अच्छा अच्छा। तो घर से आवाज़ मतलब दरवाज़ा खोले तो भागा। अच्छा, वो भाग गया। भाग गया। किसी हथियार से मारा है या हाथ वात से किसी चीज़ से मारा इसको है? तो कोई देखा नहीं कैसे मारा। अच्छा, किसी से पता? अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो